दोस्तों के एनआर हीट एक्सचेंजर यह कंपनी है जिसका कि आईपीओ 25 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 के बीच में खुलेगा दस रुपए फेस वैल्यू होगी और प्राइस बैंड होगा दो से दो सौ बीस रुपए साइज पैसठ शेयरों की दोस्तों टोटल इशू साइज है तीन करोड़ पंचानवे लाख रुपए का और ये टोटल का टोटल इशू जो है वो फ्रेश इशू है यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इस पैसे को क्या यूज करेगी ये हम बाद में देखेंगे आइए बाकी डिटेल्स अभी ले, ले लेते हैं दोस्तों QIB कैटेगरी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए यह इशू 50% परसेंट तक रिजर्व है रिटेल के लिए ये इशू 35% परसेंट तक और एन आई आई एच एन आई के लिए 15% प्रतिशत रिजर्व किया गया है बात करें अगर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की वो होगा 30 सितंबर को और इनिशिएशन ऑफ फंड होगा 1 अक्टूबर को अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो और अगर आपको यह शेयर मिल गया तो एक अक्टूबर 2024 को आपके डी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और तीन अक्टूबर 2024 एक नई कंपनी के एन आर के एन आर हीट एक्सचेंजर यह लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगी तीन अक्टूबर अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से आपको एप्लीकेशन लगाने हैं एक लॉट जो है वो होगा आपका पैंसठ शेयरों का चौदह रुपए के लिए मैक्सिमम अगर आप रिटेल में रहेंगे तेरह लॉट तक जा सकते हैं आठ शेयरों के लिए एक रुपए एस एच एन आई मिनिमम चौदह लॉट नौ सौ दस शेयरों के लिए दो लाख दो सौ रुपए एस एच एन आई मैक्सिमम सिक्सटी नाइन लॉट के लिए चार हजार चार सौ पचासी शेयरों के लिए नौ लाख छियासी हजार सात सौ रुपए और बी एच एन आई मिनिमम सत्तर लॉट के लिए चार हजार पांच सौ पचास शेयरों के लिए दस लाख एक हजार रुपए तो जहां भी आप अपने आप को फिट पाएंगे वहां अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों आइए जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में ये कंपनी करती क्या है हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है तो आइए देखते हैं ये क्या है लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स तो अभी आपको ये आइडिया नहीं लगा होगा कि ये कंपनी वास्तव तो में है क्या कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉपर एंड एल्यूमिनियम फिनस एंड कॉपर ट्यूब्स हीट एक्सचेंजर्स वाटर कोयल्स कंडेंसर कोयल इवोपोरेटर कॉयल्स ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली होते क्या हैं बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है एच वी ए सी एंड आर इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन यानी कि ए सी रेफ्रिजरेशन वेंटिलेशन और हीटिंग वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डोमेस्टिक हो कमर्शियल हो उस इंडस्ट्रियल हो इसमें कंपनी ये माल जो है बनाती है कंपनी का अगर क्लाइंट्स की बात करें तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास जैसे डैकिन स्नाइडर इलेक्ट्रिक किलोस्कर की बात करें क्लामेंटा क्लाइमेट ब्लू स्टार ये कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है प्रोडक्ट्स ओवरसीज कंट्रीज में यू ए यूएसए इटली सऊदी अरेबिया नॉर्वे चेक रिपब्लिक जर्मनी यूके और भी इसके अलावा देशों में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की है निमराना राजस्थान के अंदर एग्रीगेट एरिया वहां 7,800 स्क्वायर मीटर का है कंपनी यूजेस इट्स लेसेड स्क्वायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग पिन ब्लेंडर फिन प्रेस मशीन सीएनसी ट्यूब ब्लेंडर और वर्टिकल एक्सपेंडर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करती है ये रही कंपनी की वेबसाइट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब क्या प्रोडक्ट्स है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आइए देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये है इवोपोरेटेड क्वाइल्स ये कंडेंसनर कॉयल है प्लेज वाइटल रोडिंग एच वी ए सी सिस्टम यानी कि रेफ्रिजरेशन वगैरह या ए सी सिस्टम में ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेशन में यहाँ यूज़ होगा ये कंडेंसनर कॉयल यानी इन सब के बिना ये प्रोडक्ट्स जो है नहीं बन सकते ये रहा फ्लूड स्टीम कॉयल ये भी आपका इन सब चीज़ों में लगेगा एयर हैंडलिंग यूनिट्स के अंदर ये इसको कंडीशन के अंदर ये इसका प्रयोग किया जाएगा इसके अलावा कंडेंसिंग यूनिट एंड एयर कूलिंग यूनिट ये हो गया ये प्रोडक्ट है हेडर कॉपर पार्ट शीट मेटल शीट मेटल पार्ट्स हो गया स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एंड बोथ स्टैंडर्ड एंड कस्टम डिजाइन स्टील मेटल एस एंड प्लेट्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इन हाउस असेंबली इपोरेट कंडीशनर कॉयल्स एज वेल एज कंडीशनिंग यूनिट दोस्तों बिजनेस को समझने के बाद आइए देख लेते हैं फाइनेंशियल क्या है लास्ट ईयर यानी कि 2024 फाइनेंशियल ईयर का जो एसेट से कंपनी का दो करोड़ का है रेवेन्यू 313 करोड़ की और तीन करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कहेंगे माल बेचने से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हो गया कंपनी पीएलआई स्कीम का हिस्सा होगी और उसमें इंसेंटिव होगा वो एडेड ऑन होगा नेटवर्थ एक करोड़ और टोटल तो 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 बॉरिंग है फिफ्टी करोड़ एडिशनल मैं तीन साल के लिए आपको डेटा लेकर के आया हूं और इस डेटा के अनुसार यहां पे रेवेन्यू है एक सौ करोड़ रुपए और 2022 में 2023 में यहाँ पर दो करोड़ हो गया और 313 करोड़ एफ वाई में हो गया यानी यहाँ पे आपको इनका रेवेन्यू डबल होते हुए नज़र आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 10 करोड़ उनसठ लाख बत्तीस करोड़ यहाँ तीन गुना हो गया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इनके प्रॉफिट मार्जिन में दबाव देखने को आपको मिला उनतालीस करोड़ का यहां पर रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन की बात करें फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एफ वाई ट्वेंटी टू में सिक्स पॉइंट सेवन एट परसेंट एफ वाई ट्वेंटी थ्री में थर्टीन पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट एफ वाई ट्वेंटी फोर में ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी सुधारी हुई है बात कर लेते हैं एवरेज ईपीएस की एवरेज ईपीएस यहाँ पे सेवन पॉइंट वन नाइन है और एवरेज रिटर्न और नेटवर्थ ये तीन साल का है एवरेज है फ्रेंड्स तो ये हो गया थर्टी नाइन पॉइंट एट थ्री परसेंट दोस्तों ये कंपनी अगर अपने हाई प्राइस बैंड पर लिस्ट होगी तो तेरह सौ नौ करोड़ के आसपास लिस्ट होगी और आर कंपनी का 40 परसेंट है आर ओ सी थर्टी वन परसेंट है और डेट इक्विटी पॉइंट फोर फाइव है जो कि काफी अच्छा है और लास्ट ईयर जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो ट्वेंटी नाइन जो कि मैंने एवरेज अलग दिखाया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ट्वेल्व तो कंपनी ने इन सारे मोर्चों पर फाइनेंशियल मोर्चों पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है दोस्तों देखिए इसके वैल्यूएशन की बात करें वैल्यूएशन पोस्ट और पोस्ट आईपीओ आईपीओ और पी, हाई प्राइस की बात करेंगे, वहां पे अगर आप देखेंगे तो 33 होगा कि कंपनी इस पैसे का क्या करेगी ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्ट इन होली ओन्ड सब्सिडी के एन आर एच बी एसी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट निमराना अलवर राजस्थान एक और आ, फैसिलिटी इनकी एड ऑन हो, हो जाएगी इस पैसे से और जनरल पर्पस। तो दोस्तों आपके मन में सवाल यह हो रहा होगा कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए कि हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे हमें छोड़ देना चाहिए दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आता हूं जीएमपी ट्रेंड इक्कीस सितंबर 2020 हजार हाई प्राइस बैंड 223 सौ तेईस जीएमपी चल रहा है दोस्तों 101 परसेंट यहां पर लिस्टिंग के दिन आपको उम्मीद है कि अगर शेयर मिल गया आपको वहां पर प्रॉफिट हो सकता है तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो यहां पर जीएम एम की पी का जो ट्रेंड है ये एक पॉजिटिव नजर आ रहा है आज के समय में जो आई का बाजार है वहाँ पर सेबी का भी डेटा आया है सेबी के डेटा के अनुसार लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं और अगर उनको फायदा दिख रहा है तो विद इन अ वीक्स विद इन अ वीक सेवन डेज के अंदर ही वो बेच करके निकल जा रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या करीब करीब सत्तर परसेंट साठ से सत्तर परसेंट है दोस्तों अब मैं बात करता हूं इस सेक्टर की तो सेक्टर यहां पे कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ये कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो बना करके सप्लाई कर रही है और उसमें जो इसके क्लाइंट्स हैं ना दोस्तों ये वो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे बात करेंगे कि इसके बिज़नेस के मॉडल की तो बिजनेस मॉडल यहाँ पर है बी टू बी और इस सेक्टर में ये लिस्ट होने वाली एकमात्र कंपनी होने वाली है बी टू बी सेगमेंट में यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन एक इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे होते हैं वहाँ से बार्गेनिंग करना मुश्किल होता है और जिन कंपनियों को आप सप्लाई देते हैं वो किसी तरह से आपको जिंदा बस रखे रहती हैं तो एक चैलेंज वहाँ पर ये हो जाता है लेकिन अगर बात करें आप डिकॉन की तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का भी आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात कर लीजिए या फिर अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लीजिए तो वो काफ़ी कम होता है लेकिन मार्केट क्या करता है डिक्सॉन का जो आप अगर पी ई रेशियो देखेंगे तो वो हंड्रेड प्लस है ठीक है तो मार्केट तो मार्केट है इस तरह की कंपनियों को और पीएलआई स्कीम है गवर्नमेंट की वहां से इनको फ़ायदा मिलता है तो उस हिसाब से मार्केट यहां पे रे रेटिंग करता रहता है तो कुल मिलाकर के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो जाएंगे उसी दिन से ही काफ़ी महंगी कंपनी हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म के लिए आ, मुझे लगता है कि थोड़ा अगर वेट किया जाए तो ज़्यादा उचित है लेकिन फिर भी आ, एक अच्छी प्रॉमिसिंग कंपनी है फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं तो एक अच्छी कंपनी और छोटे साइज की कंपनी लिस्ट होते हुए आपको नजर आएगी दोस्तों जिस जो भी विचार मैंने यहाँ पे जो भी आइडियाज़ जो भी विचार जो भी ओपिनियन मेरा था ये मेरा खुद का था अगर आपको कोई एक्शन लेना है कोई भी प्रकार का एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि और भी लोगों को इस आईपीओ के बारे में पता चल पाए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स